एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसके कविता भाग में से पांचवा चैप्टर, या आप कह सकते हैं पांचवी कविता, जो कि है गाता खग। और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है? उत्तर, पक्षी प्रातः उठकर संसार के प्राणियों के सुखी तथा समृद्ध जीवन के गीत गाता है। दूसरा प्रश्न, तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव क्या है? उत्तर, तारों की पंक्तियों की आंखों को देखकर ये प्रतीत होता है जैसे वे कह रही हो कि सारा जीवन करुणा और दुख से भरा हुआ है। तीसरा, फूल हमें क्या संदेश देते हैं? उत्तर, खिले हुए फूल मनुष्य को सदा मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं। चौथा, लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं? उत्तर, लहरें इस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं कि कभी न कभी तो उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। पांचवा प्रश्न, बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? उत्तर, बुलबुला विलीन होकर अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लेता है। आगे निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला, हसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। देखिए, कवि कहता है कि प्रभात काल में खिले हुए पुष्प अपनी कोमलता, मनोहरता और सौरभ से वातावरण को पूरी तरह भरते हुए मानव को ये प्रेरणा देते हैं कि इस नाशवान और छोटे से जीवन को अनेक प्रकार की विषमताओं और समस्याओं ने नीरस और उदास बना रखा है। यदि हो सके तो संसार में अपना छोटा सा जीवन प्रसन्नता और आनंद है। दूसरा, उठ उठ लहरें कहती ये हम कूल विलोक ना पाए, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाए। इसमें कवि कहता है कि पानी की लहरें उठ उठ कर मानव को बिना असफलता या किसी डर की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का संदेश देती है। चाहे पानी के लहरों को किनारा नहीं दिखता, पर वे फिर भी इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ती जाती हैं कि उन्हें किनारा अवश्य मिलेगा, वे अपने लक्ष्य को यानी किनारे को अवश्य पालेंगी। पानी की लहरें उमंग में बिना रुके आगे ही आगे बढ़ती रहती हैं। आगे है भाषा बोध, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे खग का मतलब होता है पक्षी, नपचर, विहग, पतंग, प्रसून, कुसुम, सुमन, पुष्प, फूल, और हृदय, छाती, वशक स्थल, चित, किनारा तट, तीर, कूल, पुलिंग। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाएं। मैंने यहाँ पर इसका उत्तर जैसे लिखा है, सुंदर का सुंदरता, अपना मतलब अपनापन, हंसना हंसी और नीरव की भाववाचक संज्ञा है नीरवता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे। पहला, संध्या के समय पक्षी क्या गाता है? उत्तर, संध्या के समय पक्षी मानव जीवन के कल्याण और मधुर जीवन के गीत गाता है। दूसरा प्रश्न, तारों की पंक्तियां मानव के दुख से दुखी होकर कैसे आंसू बहाती हैं? उत्तर, तारों की पंक्तियां मानव के दुख को देखकर ओस के रूप में आंसू बहाती हैं। तीसरा, मानव जीवन में आशा और विश्वास का संदेश कौन भरते हैं? उत्तर, मानव जीवन में आशा और विश्वास का संदेश खिले हुए फूल भरते हैं। चौथा, मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश किनसे मिलता है? उत्तर, मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश लहरों से मिलता है। पांचवा प्रश्न, बुलबुले को अपना मकसद कब मिल जाता है? उत्तर,
जब बुलबुला पानी में समा जाता है तब उसे अपना मकसद मिल जाता है, क्योंकि वह पहली पानी से अलग था परंतु पानी से मिलकर वह अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। छेवा प्रश्न, कवि ने प्रकृति के माध्यम से क्या कामना की है? उत्तर, कवि ने प्रकृति के माध्यम से मानवतावाद की स्थापना की कामना की है। उसने संसार के सभी लोगों के समृद्ध जीवन की इच्छा व्यक्त की है। वह चाहता है कि मानव सदा प्रसन्नता से भरा हुआ गाता रहे। मानव जीवन छोटा है, इसीलिए वह संसार को सब प्रकार की खुशियां बांटकर संसार के आंगन को खुशियों से भर दे। सातवां प्रश्न, गाता खग कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि की क्या विशेषता दिखाई देती है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, गाता खग कविता की अंतिम पंक्तियों में रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है। जिस प्रकार नदी या समुद्र की लहरों से हवा टकराकर बुलबुले को जन्म देती है, पर वह बुलबुला कोशिश करके भी कभी किनारे को प्राप्त नहीं कर पाता। वह लहरों में ही कहीं इधर उधर भटक कर बिखर जाता है और उसी जल में समा जाता है। जीव भी उसी प्रकार जीवन भर भटकने के पश्चात मृत्यु प्राप्त करके परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। आगे एक पंक्ति में उत्तर, पहला, संध्या के समय पक्षियों का चहचहाना क्या व्यक्त करता है? उत्तर, संध्या के समय पक्षियों का चहचहाना संसार के जीवन के मंगल में रूप माधुर्य को व्यक्त करता है। दूसरा, तारों की पंक्तियां टिमटिमाकर क्या कहती हैं? उत्तर, तारों की पंक्तियां टिमटिमाकर मानव जीवन में व्याप्त अवसाद पर दुख व्याप्त करती हैं। तीसरा, मनुष्य को जीवन में सदा खुशियां बिखेरने का संदेश कौन देते हैं? उत्तर, खिले हुए पुष्प मनुष्य को जीवन में खुशियां बिखेरने का संदेश देते हैं। चौथा प्रश्न, लहरें मनुष्य को क्या संदेश दे रही हैं? उत्तर, लहरें मनुष्य को निरंतर गतिमान रहने का संदेश दे रही हैं। आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सारा आशय कौन विलीन होकर पा जाता है? नदी, लहर, बुदबुद या कूल? उत्तर है बुदबुद। बुलबुला, किनारे को कौन नहीं देख पाता? नदी, लहर, बुदबुद या पक्षी? उत्तर है लहर। तीसरा, अपलक तारावली किसका अनुभव कहती है? आंख, कान, नाक या मुंह का? इसका उत्तर है क, आंख। आगे एक शब्द, हाँ नहीं, सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। पहला, सुंदर सुखमय जीवन की गीत प्रातः उठकर कौन गाता है? एक शब्द में उत्तर दें। उत्तर है खग। दूसरा, फूल खिलकर संसार को रोना सिखाते हैं? सही या गलत लिखकर उत्तर दें, ये गलत है। तीसरा, तारावली अपलक निहारती है? सही या गलत लिखकर उत्तर दें, ये है सही। चौथा प्रश्न, किनारा न देखकर भी लहरें आगे बढ़ती जाती हैं? हाँ या नहीं में उत्तर दें, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। पांचवा, मनुष्य को अपने सद्गुणों से संसार को सुखद नहीं बनाना चाहिए? हाँ या नहीं? इसका उत्तर है नहीं। छेवा प्रश्न, गाता खग संध्या पर मंगल जग जीवन? इसका उत्तर है तट और मधुमेह। सातवा प्रश्न, अपने उर्की से जग का भर जाओ? उत्तर है सौरभ और आंगन। पर इस में बह बह नित आगे जाएं उमंग और बढ़ती। तो ये था इस पाठ का अभ्यास, में उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।